नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। धनबाद जिले के टुंडनी थाना क्षेत्र के रहने वाले अशरफ अंसारी बुधवार को धनबाद एसएसपी ऑफिस पहुंच लूटकांड मामले में अशरफ अंसारी अपराधी की गिरफ्तारी करने की मांग की। क्या कुछ घटना घटा था आपके साथ? घटना घटा था सर कि मैं बैंक ऑफ इंडिया का एक सीएसपी संचालक हूँ। मैं 6 तारीख को 2:30 के लगभग में अपना सीएसपी बंद करके घर तरफ जा रहे थे, तो कदिया मोड़ पड़ता है मेरा, तो मोड़ के पास एक पुल है, पुल तो मैं जा रहा था, तो वहाँ पहले से 3 अपराधी खड़ा थे और पीछे से 2 पीछा कर रहे थे। जैसे वह मैं गाड़ी हल्का स्लो जार्पिंग टाइप का, जैसे मैं स्लो किया, रोड में सीधे खड़ा कर दिया और 3 पिस्टल था उन लोगों के पास, और पीछे से 2 या 5 आदमी मिलकर और एक चाकू के नोक पर, मेरा KTM बाइक था और मेरा बैग में जो कैश था 2,93,000 रुपया लेके भाग गया उन लोग। घटनास्थल पर मौके पर DSP सर भी पहुँचे हुए थे टुंडी थाना के, और बरवड्डा थाना के बड़ा बाबू सर भी थे और टुंडी थाना के बड़ा बाबू सर भी थे। सर लोग बोले कि बहुत जल्दी हम चोरों को पकड़ लेंगे और पर्दाफाश कर लेंगे, लेकिन आज 19 तारीख हो गया लेकिन अभी तक कुछ कर नहीं पाया सर, अभी तक कुछ हुआ नहीं सर। और वो जो पैसा था सर कस्टमर का था, और कस्टमर अभी मांग रहा है, उन लोग को दिलासा दे कर रखे कुछ दिन वेट कीजिए हो जाएगा, बट सर अभी तक नहीं हुआ, कस्टमर जान पे अभी गया हुआ है सर, अब क्या करेंगे सर, कुछ तो कर दीजिए। तो आज कहाँ है आप? अभी हम DSP से SSP के सर के यहाँ मिलने आए हुए हैं, थाना प्रभारी से, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, तो देखते हैं SSP सर अगर कुछ मदद करे, कुछ हेल्प करे तो बहुत मेहरबानी होगा मेरे लिए। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद अशरफ अंसारी। कहाँ घर हुआ आपका? अगली बार पोस्ट केस का थाना टुंडी। हाँ, थाना टुंडी। झारखंड सरकार द्वारा ई पास आवश्यक किए जाने के बाद सड़कों पर वाहन जांच का अभियान में तेजी आ गई है। इसी कड़ी में धनबाद जिले के कई स्थानों सहित रणधीर वर्मा चौक पर जिला यातायात पुलिस ने वहां से गुजरने वाले 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का ई पास जांच किया, जिसमें कई वाहन चालकों के पास ई पास ही नहीं मिला, जिस पर कानूनी कार्रवाई की गई। मौके पर ट्रैफिक DSP राजेश कुमार ने बताया कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार यहां पर ई पास की जांच की जा रही है। सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार ई पास की व्यवस्था की गई है, इसी के तहत पूरे धनबाद जिला में ई पास की जांच की जा रही है। पूरे धनबाद जिला में आज ई पास की चेकिंग की जा रही है। बहुत सारे अधिकांश लोग ई पास के साथ ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास ई पास नहीं है, लेकिन कुछ वैध कारण बता रहे हैं, मेडिकल रीजन से बाहर निकल रहे हैं, उनके कारण को समझ कर उन्हें जाने दिया जा रहा है। बाकी अन्य लोग जो बिना कारण से बिना ई पास के घरों से बाहर निकल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। अपना नाम पहचान सर? ट्रैफिक DSP राजेश कुमार। जिले के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों को विगत 2 महीने से प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई है। इसके चलते जूनियर डॉक्टरों ने SNMMCH के अधीक्षक अरुण चौधरी से मुलाकात कर अपनी समस्या रखी। मैं JR औरतों हूँ, हम अभी सुपरिटेंडेंट सर से मिलने आए हैं। हमारे 2 महीने पहले से हमारा वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। जैसा आप जानते हैं कि पैंडेमिक का सिचुएशन है, बिल्कुल सभी के लिए ये काफ़ी बुरा वक्त है। हम लोग के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। हम लोग वर्क अपना पूरे एफिकेसी से कर रहे हैं, पूरा एफिशिएंसी दिखा रहे हैं अपना, हर जगह पे जहाँ भी हमारी ड्यूटी बढ़ाई जा रही है फिर भी हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम जो भी हमारे कर्तव्य दिए जा रहे हैं उनका पूरा निर्वहन हम कर रहे हैं। लेकिन आज के वक्त में जहाँ सभी राज्यों में प्रोत्साहन राशि और एक्स्ट्रा पेमेंट किया जा रहा है डॉक्टर्स को, वहाँ पर हमें हमारा जो बेसिक वेतन है 2 महीने से वो भी नहीं मिला है। अभी ये 3रा मंथ जा रहा है, आज 19-20 तारीख होने जा रहे हैं, अभी तक हमें कोई राहत नहीं मिला है और वेतन नहीं मिलने के कारण हम लोग काफ़ी परेशान हैं। और इस तरह से अगर हमारे साथ व्यवहार होगा तो अब हम लोग अपने कार्य को करने में सक्षम हो रहे हैं, क्योंकि इससे हमारे मन में कुंठित होते हैं, हमारे वर्क पे भी उसका इफिशियंट पड़ता है, असर पड़ता है, तो उसके लिए फिर हमें रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। तो ये चीज़ गलत हो रहा है डॉक्टर्स के साथ। हम चाहते हैं कि हमारा वेतन भुगतान हो, जो हमारा योगदान है वो हमारा योगदान माना जाए कि हम योगदान कर रहे हैं, उसके लिए जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है सभी राज्यों में या यहाँ भी शायद बात हो रही है देने की, वो हमें मिले। और सर्टिफिकेट जो मिलता है हर राज्य में मिलता है कि आपने इतने दिनों तक कोविड में अपना योगदान दिया, वो भी हमें मिलना चाहिए। अच्छा, भाई इन्हीं से बातों को लेकर हम आज सुपरिटेंडेंट सर से बात कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय में
SSLNT महिला कॉलेज की छात्राओं ने बुधवार को प्रति कुलपति से मुलाकात कर वाणिज्य स्नातक अंतिम वर्ष का मार्कशीट दिए जाने की मांग की। एब्सेंट हाँ, क्या बोला? जो इंटरनल में हम लोग का एब्सेंट ETP में लगा है वो हट जाए, क्योंकि इसमें हम लोग का कोई फॉल्ट नहीं है। और ये खुद हम लोग का HOD बिमल सर और प्रिंसिपल मैम शर्मिला रानी जो है दोनों ये बात एक्सेप्ट किए कि ये कॉलेज का फॉल्ट है। इसका मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, दोनों एक्सेप्ट किए कि इसमें हम लोग का फॉल्ट है किसी कारण के चलते। वो खुद बोले ये बात कि किसी कारण के चलते, पर्सनल ग्रेसेज और कारण के चलते हम एप्लीकेशन नहीं सबमिट कर पाए, जिसके वजह से बेटा आप लोग का नहीं हो सकता है। तो ये वो लोग का प्रॉब्लम है ना, ये वो लोग का प्रॉब्लम है, इसमें हम लोग क्यों अपना चेक करें? हम एक प्रोफेशनल स्टूडेंट है, हमको वहाँ पर 2 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 2 महीने के अंदर हमको अपना फाइनल मार्कशीट सबमिट करना है। और ये मेरा फाइनल ईयर है, अगर हमको मार्कशीट नहीं मिलेगा तो फिर हम क्या वहाँ सबमिट करेंगे? मेरा तो वहाँ पर सारा जो रजिस्ट्रेशन फीस लगभग क्या बोले रजिस्ट्रेशन फीस वहाँ का अच्छा खासा अमाउंट रहता है वो कैंसिल हो जाएगा, साथ साथ मेरा जो 2 साल का मेहनत है वो चला जाएगा। तो क्या हम लोग यही बेगा यही सब करते रहे? हम लोग दौड़ धूप करते रहे, कोविड में दूसरे को डाले, हम लोग स्टूडेंट लोग को कोई डर नहीं है? जो हम लोग जो कॉलेज आना जाना कर रहे हैं, घर से भी डांट सुना जा रहा है, हम लोग घर से ही बोला जा रहा है कि तुम लोग क्या किए, तुम लोग इतना दौड़ रहे हो, और सारा स्टूडेंट का एप्लीकेशन सारा चीज़ हो गया, मार्कशीट मिल गया, वो लोग नेक्स्ट लेवल में चले गए, सेमेस्टर 5 में हो गया, और हम लोग इसी में अटके हुए हैं। तो हम लोग को यही मेरा मांग है कि हम लोग को जितना जल्दी हो सके इसको क्लियर कीजिए, शॉर्ट आउट कीजिए, हम लोग को पास कीजिए। कितने छात्र लोग हैं आप लोग टोटल? अप्रॉक्स 10 से ज़्यादा है अभी तो इतने प्रेजेंट, और भी बहुत कोई जो बहुत दूर से जिस जो अभी लॉकडाउन लगा हुआ है तो ऑटो नहीं है, कोई भी ई पास के चलते वो लोग नहीं आ पाए, स्टूडेंट तो बहुत 15 हर कॉलेजेस में। कौन सा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाजिया। कौन सा कॉलेज? SSLNT कॉलेज। लेकर आप लोग जो है इस तरह का विरोध कर रहे हैं? हम लोगों का एंटरप्रेन्योरशिप में एब्सेंट जो लगा वो हम लोग का हट जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग को कोई गलती नहीं, हम लोग कुछ की नहीं एब्सेंट, हम लोग एग्जाम में एब्सेंट रहे तो हम अपने जो स्कूल है 10th और 12th दोनों के टॉपर रहे हैं, और आज मेरे फैमिली बोल रहा है कि तुम एब्सेंट कहाँ थे? हम लोग को सब कुछ अटेम्प्ट किए, इवन मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग है सारा मेरा इंटरनल एग्जाम का, तो हम क्या करें बताइए, एब्सेंट क्यों है? हम लोग CA का फॉर्म भरे, CMA का भरे, सेकेंड ईयर में हम लोगों से मांगा जा रहा है ग्रेजुएशन का रिजल्ट, हम लोग फेल है बताइए। CA CMA का स्टूडेंट कोई फेल होता है? और वो भी एब्सेंट है, किस वजह से बताइए? हम लोग का क्या है, हम लोग का क्या प्रॉब्लम है जो आप एब्सेंट किए? हम लोग को दिखाइए कहाँ एब्सेंट है एंटरप्रेन्योरशिप का। आप हम लोग को सब स्टूडेंट्स का एंटरप्रेन्योरशिप का आप भेजे हैं कि वो लोग एंटरप्रेन्योरशिप का इंटरनल एग्जाम अटेम्प्ट किए, हम लोगों को दिखाइए उस दिन का, हमको दिखाइए हिस्ट्री कि हाँ वो लोग अटेम्प्ट किए और हम लोग नहीं किए हैं, नहीं तो हम लोग इसी तरह कोविड हो या कुछ भी हो हम लोग का 1 साल बर्बाद हो रहा है, हम लोग नहीं हो, हम लोग बियर नहीं कर सकते। और हम मेरा बैंगलोर में हम शिफ्ट करने वाले हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटी में हम नाम लिखवाएंगे यही कि 1 साल एब्सेंट कर दिए, वो ये नहीं देखेंगे कोविड था ये था वो था, वो बस चाहते कि हमको तो रिजल्ट चाहिए, वो कट मार्क्स देखेंगे हमको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, हम तो ये बियर नहीं ना कर सकते हैं, हमको तो चाहिए मेरा एब्सेंट हटना चाहिए। 20 पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, हम लोग का 20 क्वेश्चन आया था कि नहीं? 20 क्वेश्चन आया था, उसमें मेरा 40 out of 36 आया है, 2 क्वेश्चन हम नहीं, और हम एब्सेंट होंगे एंटरप्रेन्योरशिप एग्जाम में। जनरल नॉलेज किसको नहीं आता है? ये कॉलेज वाला का गलती है, हमारे प्रिंसिपल मैम का गलती है, हम खुद एलिगेशन लगाएंगे उनके सामने, हमको डर नहीं लगा हुआ क्योंकि हम गलत नहीं है। कौन सा कॉलेज के हैं? SSLNT कॉलेज के। इवन यहाँ पे हम लोग आए तो हम लोग के कंट्रोलर सर है वो क्या बोलते हैं पता है? SSLNT के लड़की लोग, हाँ वो लोग तो सोचती है कि आएंगे थोड़ा सा रोएंगे, थोड़ा सा ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, हम लोग कर देंगे। आप लोग जाइए, आप लोग यहाँ पर क्यों आ रहे? कोविड है, आप लोग समझते नहीं, आप लोग घूमते इस ड्रेस से, पता है आज की डेट में इस ड्रेस को पहनने में हम लोग को शर्म लगता है, हम कहीं भी किसी के सामने भी बोल दें, इवन इसीलिए आज हम ड्रेस पहन के नहीं आए, आप देख सकते हैं। क्यों शर्म आ रहा है वो ड्रेस पहनने? इसलिए आ रहा है क्योंकि कोई भी हम लोगों को इस ड्रेस की वजह से जज करता है कि ये कैसी लड़की है। पता है हम जब नाम लिखवा रहे थे हमको लिखवाने का मन नहीं था, लेकिन ये सिर्फ हमको मेरे पापा मेरी मम्मी बोलती नहीं लिखवा लो गर्ल्स कॉलेज है, सबसे वाहियात कॉलेज है, आज ये दौड़ रही है ना लड़की लोग सिर्फ हमारे प्रिंसिपल और हमारे HOD की वजह से, बहुत दौड़वाते हैं बहुत। और वहाँ के टीचर्स को बात करने का लहजा नहीं है, तरीका नहीं, वहाँ पर पियोन छोड़िए ना, वहाँ पर अगर आप गेट पे 2 वॉचमैन खड़ा करके अगर आप ड्रेस बस चेक करवाइए तो इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि हाँ कोई लड़की कहीं घूमने नहीं जाएगी, कहीं भी कोई भी जा सकती है, लड़की पे होता है। मेरी जितनी भी मेरी दीदी लोग सब यहाँ पर पढ़ी थी, लेकिन वो लोग हमको सब बोली कि मत लिखो, लेकिन सामने RSP कॉलेज जो हट गया है ना वहीं हम लिखवाते हैं, लेकिन वहाँ नहीं लिखा क्योंकि वो बहुत दूर चला गया। ये कॉलेज एकदम क्या, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सना परवीन।
क्या मामला है सर? छात्र मामला है कि कॉमर्स के इंटरप्रेंसिप पेपर में इंटरनल एग्जाम में कोई मार्क्स नहीं है। असल हम लोग कैसे रिजल्ट करते हैं, जिससे कॉलेज इंटरनल एग्जाम का बात है, इंटरनल मार्क्स टू मार्कशीट हम लोग का है, वो मार्कशीट को हम लोग स्कैनिंग करते हैं, स्कैनिंग में कोई मतलब किसी भी गलत मशीन से होता है, उस पर ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाता है, इसलिए इसमें कोई गलती होने का कोई चांस नहीं है। 11 बच्ची का जैसे बच्ची बोली इन लोग का मार्क्स नहीं है, 260 टोटल स्ट्रेंथ है, 11 बच्ची एबसेंट है ना, प्रेजेंट है, इन लोग आ रही है प्लेन, प्रिंसिपल का कोई इसमें लिखा हुआ नहीं है, हम लोग को इसमें डायरेक्ट अटेम्प्ट नहीं ले सकते हैं जब तक प्रिंसिपल कुछ लिखेंगे नहीं। अगर प्रिंसिपल हम लोग को लिख के हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे जो हो सकता है, लड़के के फेवर में जो हो सकता है करेंगे, लेकिन उसके लिए कागज कलम सही आना चाहिए, जिससे प्रिंसिपल का कमेंट, प्रिंसिपल है वो टीचर से पूछते, टीचर क्या बोले या ना बोले वो लिख के भेजते, तब हम तुरंत कार्रवाई करेंगे, तुरंत सोच करेंगे टीचर को, ऐसा थोड़े छोड़ देंगे स्टूडेंट, मेरा स्टूडेंट के लिए हम लोग हैं। और भी सर जो है, और भी जो है छात्राएं जो है लगाए हैं कॉलेज के ऊपर, कॉलेज के ऊपर इन लोग आरोप लगाना बहुत ईजी होता है आजकल, आप भी आए हैं आप कुछ भी आरोप हम मेरे ऊपर लगा सकते हैं, हम सब नहीं मैंने ऐसा ही आरोप कागज प्रूफ जब तक नहीं होगा उस आरोप को हम कैसे मान लेंगे। नहीं ये लोग बताए हैं जिस तरह से बताना अलग चीज है, आप लोग को, आप लोग मीडिया है भाई, आप लोग की मर्जी है, वो रिकॉर्डिंग भी प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग प्रस्तुत कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कहाँ तक सही क्या गलत, टीचर क्या बोले हैं, टीचर इन लोग परीक्षा दिया है कि नहीं दिया, ऑनलाइन हुआ है, सबसे बड़ी बात ऑनलाइन हुआ है, ऑनलाइन में हम लोग इसको कोई ऑफलाइन होने से हम लोग कॉपी रहता है, प्रूफ रहता है, हम लोग प्रूफ भी नहीं कर पा रहे इन लोग, तो प्रिंसिपल उनसे पूछना चाहिए, प्रिंसिपल पूछ के जो जवाब दे टीचर वो हम लोग को भेज देना चाहिए, उसके बाद हम लोग टीचर को बुलाएंगे। इन लोग का साफ कहना है कि प्रिंसिपल हमारी बात नहीं सुन रही है, प्रिंसिपल नहीं सुन रही ऐसा थोड़ी हो जाए, वहाँ हम लोग जब सुन रहे हैं, जब प्रोविंस में ही सुन रहा हूँ, प्रिंसिपल क्या नहीं सुनेगी, आप कल्पना कर सकते हैं ये चीज़, अरे ऐसा प्रिंसिपल कभी हो नहीं सकता, तो भी तो हम लोग देखेंगे उसको, अगर प्रिंसिपल भी नहीं सुन रही उसको भी हम देखेंगे, है ना। धन्यवाद। आज लगातार चौथे दिन 18 प्लस के लिए कोल सिटी शाखा धनबाद और गुजराती अन्नपूर्ण सेवा समिति के संयुक्त प्रयास से गुजराती स्कूल करबला रोड बैंक मोड़ में वैक्सीनेशन कैंप चालू रहा, जिसमें आज 188 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, साथ ही साथ ट्रूनेट टेस्ट की भी व्यवस्था की गई, टीका लेने वालों की सुविधा के लिए पीने का पानी, नर्स और स्टाफ के लिए नाश्ता का पैकेट और भोजन की व्यवस्था भी की गई, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठने की व्यवस्था और सेल्फी कॉर्नर की भी व्यवस्था थी, युवाओं में भरपूर जोश और उमंग देखा गया। स्कूल बैंक मोड़ गुरुद्वारा के ठीक सामने में इस प्रांगण में आज लगातार चौथा दिन है, जब 18 प्लस लोगों को हम लोग वैक्सीनेशन दे रहे हैं, और वैसे लोगों को वैक्सीनेशन यहाँ हो रहा है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जिनको स्लॉट की बुकिंग हुई है, वैसे ही लोगों को यहाँ पर वैक्सीनेशन दिया जा रहा है कोविशील्ड का, और प्रत्येक दिन 200 के करीब लोग अपना स्लॉट बुक करा कर यहाँ आ रहे हैं और वैक्सीनेशन ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक तरफ वैक्सीनेशन भी है, और वैक्सीनेशन से पहले सरकार ने यहाँ पर कोरोना जांच की भी व्यवस्था की है, लोग कोरोना का भी जांच करा रहे हैं, और यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं उनको देखभाल के लिए हम लोगों ने पानी की व्यवस्था की है, मट्ठा की व्यवस्था की है, सैनिटाइज की व्यवस्था की है, और बगैर मास्क के किसी को हम लोग यहाँ अलाउ नहीं कर रहे हैं, सभी से आग्रह कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोग वैक्सीनेशन कराएँ, और सरकार का जो दिशा निर्देश कोविड 19 को लेकर है उसका पूरी तरीके से पालन कीजिएगा। कोविड 19 का जो भी गाइडलाइन है उसको हम लोग आग्रह करते हैं लोगों से, आप उसका पालन कीजिए, और ये वैक्सीनेशन सेंटर में जिस तरीके से युवाओं में उत्साह है आप देख सकते हैं, हम लोगों ने सेल्फी पॉइंट भी बनाया है ताकि लोग वैक्सीन लेने के बाद अपना सेल्फी भी ले रहे हैं, ताकि उनके लिए ऐतिहासिक क्षण है। आपका नाम परिचय? नितिन भट्ट, सांसद महोदय के प्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी धनबाद जिला के महामंत्री। धनबाद के वासेपुर में स्थित अलीसल्ला स्कूल वैक्सीनेशन सेंटर पर युवा लोग की हुजूम उमड़ रहे हैं। वहीं ईद के पहले युवा लोग बहुत ही कम लोगों ने रजिस्टर करा वैक्सीनेशन लिया। दिनों से वासेपुर में लगातार जो है वैक्सीनेशन के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी, पहले के बनिस्पत अभी क्यों, पहले क्यों नहीं लिया गया था, क्या जागरूकता की कमी थी? देखिए वासेपुर में जागरूकता की कमी नहीं थी, लोग मोटिवेट हो रहे थे, लेकिन रमजान चल रहा था इस वजह से कुछ लोगों ने उसको डिक्लाइन किया था कि रमजान के बाद हम लोग ईद के बाद हम लोग वैक्सीनेशन कर लेंगे, तो उसी के हिसाब से फिर हम लोगों ने ईद के बाद वहाँ का हमने वैक्सीनेशन प्लान किया। अलीसल्ला स्कूल में वैक्सीनेशन चल रहा है और वहाँ पे बहुत ही जोर शोर से लोग पूरे जोश के साथ वहाँ वैक्सीन लेने आ रहे हैं। सर लेकिन जितना यूथ है
उनकी जागरूकता बढ़ी है, लेकिन ओल्ड एजेस को हम नहीं देख रहे हैं कि सेंटर पे आ रहे हैं। ऐसा बात नहीं है, और आ भी रहे हैं लोग, जैसे वहाँ पर 45 प्लस के जो हमारे हैं सीनियर सिटीजन्स में भी जो आते हैं, वो धीरे धीरे अपन बढ़ रहे हैं, लोग वैक्सीन ले रहे हैं। इंदिरा का ऐसा नहीं है कि वासेपुर में वैक्सीनेशन में डिक्लेरेशन हुआ, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे से लोगों को मोटिवेट किया गया है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, खुद बढ़ चढ़ के जागरूकता कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के सहिया ANM सभी लोग वहाँ पर जाकर उन लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोग वैक्सीनेशन लेने आ रहे हैं।